हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो अब मैं आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ NYB के आई लव लिक्विड आई शेडोज। सो मेरे पास तीन आई शेडोज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन आई शेडोज़ हैं, एक सिल्वर में है, एक ब्रॉन्ज में है, एक मैरून में है। सो ये मेरे पास, ये इसकी इनर पैकेजिंग है। फर्स्ट आप इसके आउटर पैकेजिंग देख रहे हैं, मेरे पास अभी नहीं है इनर पैकेजिंग, बिकॉज मैंने उसे थ्रो कर दिया है। सो फर्स्ट मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था, तो आप पहले वो देख लीजिए उसके आउटर पैकेजिंग और उसके फुल रिव्यू देख लीजिए, एंड देन मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी आइस पे कि कैसे आपको यूज़ करना है इसे। सो गाइज, दीज आर दी NYB आई लव लिक्विड आई शेडोज़ एंड मेरे पास टोटल तीन शेड हैं। इसमें टोटल छः शेड लॉन्च हुए थे एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कौन कौन से शेड्स हैं। फर्स्ट मेरे पास है 01 कॉपर सिट्रिन एंड नेक्स्ट मेरे पास है 02 मरून टोपाज एंड थर्ड शेड मेरे पास है 04 सिल्वर सॉलिटियर। सो आपको मिल रही है 2.2 ml की क्वान्टिटी एंड इसकी MRP है 299 रुपीज़ एंड अभी चल रहा है 20% ऑफ, तो आपको ₹239 में मिल जाएगा ये। एंड आप इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग देख सकते हैं, ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड पैकेज में रिसीव हो रहा है यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर सब चीज़ लिखा है, यूज़ बिफोर मैनुफैक्चर वगैरह सब चीज़ें मैंशन है। 2022 से लेकर 2024 तक चल जाएगा, मतलब आपको 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल रही है इसमें ईजिली। एंड यहाँ पे आपको लिखा है कैसे यूज़ करना है, आप तो की इंग्रेडिएंट्स सब लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको हाई शिमर फिनिश, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, रिच पिगमेंट है एंड यहाँ पे सारे इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। सो दिस वाज द आउटर पैकेजिंग। अब मैं आपको दिखाऊँ इनर पैकेजिंग एंड आप देख सकते हैं ये ना ट्रांसपेरेंट कैप है, मतलब प्लास्टिक में, एंड आपको ब्लैक कलर का इसमें कैप मिल रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पे तीनों शेड्स हैं। मुझे ना एक चीज़ इसकी पसंद नहीं आई कि मेरा जो चिट यहाँ पे लगा था ना, यहाँ पे शेड नंबर मिल जाएगा आपको, नाम मिल जाएगा एंड 2.1 ml की क्वान्टिटी मिल जाएगी, 2.2 ml की, एंड जो मेरा 03 गोल्ड ग्लैम है इसका शेड। सो आप देख सकते हैं इसका मुझे बॉडी अच्छी लगी, मतलब आप देख सकते हैं कितना आपकी क्वांटिटी है एंड इसका 2 फुट एप्लीकेटर मिल रहा है, दैट्स रियली कन्वीनियंट एंड आप इसे इजीली कटरी कर सकते हैं। एंड एक गोल्ड ग्लैम है, मतलब इजीली पार्टी मेकअवर्स में बहुत अच्छे से चला जाएगा आपको ये वाला, आप इजीली से कट क्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मेरे पास है ये है 02 मरून टोपाज। सो ये शेड थोड़ा रेड मरून टाइप में आ जाता है, अगर आपको इंडियन मेकअप लुक करना है, थोड़ा सा आपको फेडिंग वाला मेकअप लुक करना है, तो आप उसमें ये वाला क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ना बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है गाइज। अब मेरे पास ये शेड है 04 सिल्वर सॉलिटियर। सो ये भी थोड़ा शेड वैसा है, इससे आप इजीली एक लाइनर क्रिएट कर सकते हो, कट क्रीज क्रिएट कर सकते हो। तो ये तीन शेड मेरे पास हैं, टोटल 6 शेड्स है इसमें गाइस। दीज आर हाईली पिगमेंटेड एंड अब चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया था अपने आईज पे गाइस। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने रिव्यू देख लिया है इसका, सो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी जैक्लिन का पैलेट, बिकॉज ये लिक्विड आई शेडोज है, उसके पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक पाउडर आई शेडोज। सो इसमें से मैं कोई पाउडर आई शेडो यूज़ करूँगी। फर्स्ट मैं अपने ब्रशेज निकाल लूँ। ओके, सो मैं मे बी सिंपल मेकअप लुक करूँगी, ज़्यादा हैवी मेकअप लुक नहीं करूँगी बिकॉज ये ड्रेस सिंपल है, सो इसलिए। ओके, सो अब मैंने अपना ब्रश ले लिया, दिस इज़ द कफ्स एंड लैश का E005 ब्रश। ओके, सो फर्स्ट मैं इसमें से फर्स्ट मैं ये वाला लाइट शेड लूँगी, दिस इज़ द लाइट शेड, एंड इसको थोड़ा डस्ट ऑफ करके अपने क्रीज लाइन पे बिल्डअप करूँगी। ओके, एंड मैं ऑल ओवर द लिड, मतलब थोड़ा सा क्रीज में लेके ऑल ओवर द लिड थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी एंड इस साइड को ना थोड़ा ऐसे ऐसे कर लूँगी, मतलब इनर कॉर्नर पे ऐसे आउटर कॉर्नर से वी बना लूँगी थोड़ा सा। सो दिस इज़ परफेक्ट एंड अब मैं दूसरे ऐसे भी कर ले रही हूँ ये। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपना आई शेडो अप्लाई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक लिक्विड, दिस इज़ द लिक्विड आई शेडो, दिस इज़ द मेबेलिन का ब्लैक जेट आई लाइनर। सो फर्स्ट मैं एक आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, लिक्विड आई शेडो। ओके, सर थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसमें। सो फर्स्ट मैं एक पतला सा विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। ओके, सो दिस इज़ द परफेक्ट विंग लाइनर, आप देख सकते हैं, एंड जब ये ड्राई हो जाएगा, मैट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मैं दूसरी आइस पे भी अप्लाई कर लूँगी अब। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दूसरी आइस पे भी अप्लाई कर लिया एंड अब मैं वेट करती हूँ कि ड्राई हो जाए पहले। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आईलाइनर ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट, एंड अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास 3 शेड्स हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे कौन कौन से शेड्स हैं। फर्स्ट मेरे पास है 01 कॉपर सिट्रिन एंड द नेक्स्ट शेड मेरे पास है 03 मरून टोपाज एंड द नेक्स्ट थर्ड शेड है मेरे पास 04 सिल्वर सॉलिटियर। सो मैं ये वाला यूज़ करने की सोच रही हूँ बिकॉज मेरी ड्रेस पे यही जाएगा आई थिंक सो। सो गाइस, मैं ये वाला आई शेडो यूज़ करूँगी, दिस इज़ द 04 सिल्वर सॉलिटियर एंड आपको ना ऐसी पैकेजिंग मिल रही है, यहाँ पे लिखा है NYB
एंड यहाँ पे शेड नंबर मिल जाएगा आपको। ओके सो फर्स्ट मैं इसे ओपन करूँगी, आप देख सकते हैं ब्रश है स्लांटेड जिससे कि आप इसे कट क्रीज फिट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ओके सो मुझे बॉटल इसकी अच्छी लगी है, इस ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको इसमें दिख जाएगा कि कौन सा कलर आप ले रहे हो एंड कौन सा आपको यूज़ करना है। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, एक टिप पतला सा ब्रश लूँगी ऐसा एंड इसमें से थोड़ा सा आई शैडो ले लूँगी। ओके यहाँ पे मैंने आई शैडो ले लिया है एंड बिल्कुल ध्यान से। ओके फर्स्ट मैं इसे बंद कर दूँ वरना आई थिंक सो कुछ ना हो जाए। ओके सो मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रश, आप देख सकते हैं। एंड अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल प्रिसाइसली जो मैंने आई लाइनर अप्लाई करा उसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी एक और आई लाइनर। सो मैं उस टाइम नहीं बोली थी बिकॉज मेरा आईलाइनर हिल ना जाए, मुझे डर लग रहा था। सो आप खुद देख सकते हैं आईलाइनर कितना ड्रामेटिक एंड कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई वाइट आईलाइनर अप्लाई करा बट क्या दिस इज सिल्वर। सो फर्स्ट मैं इसे ड्राई होने देती हूँ देन मैं नेक्स्ट वाला अप्लाई कर रही हूँ जब तक। सो मैं इसमें से थोड़ा सा और ले लूँगी एंड इसमें ना एक बार मेरा आईलाइनर ड्रॉ कर दिया, आपको दूसरी बार दो मैं प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ रहा, मतलब आपका प्रोडक्ट बच जाएगा, मतलब बहुत टाइम चल जाएगा, लंबा चल जाएगा आपका प्रोडक्ट। एंड आपको मिल जाएगा इसका प्राइस 239 रुपीज़, आपको इसका प्राइस मिल जाएगा एंड इसका MRP है 299 रुपीज़, मतलब 300 का इसका MRP है। सो मैं नेक्स्ट पर भी ड्रॉ कर लूँगी। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया है बट यार लिटिल बिट यहाँ पे मेरा थोड़ा आईलाइनर हिल गया है बिकॉज मेरे जो ब्रश का जो ये वाला हेयर देख सकते हैं वो पोक कर रहा है। सो मेरा थोड़ा सा वाइट आईलाइनर, मतलब वाइट वाला मुझे ब्लैक आईलाइनर में चला गया थोड़ा सा, बट यार इट्स लुकिंग गुड एंड मैं थोड़ा वेट करती हूँ ड्राई होने के बाद कैसे लगता है एंड मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। सो पहले मैं थोड़ा अपनी लैश लाइन कर लूँ आई थिंक सो। सो लैश लाइन के लिए मैं ब्रश निकाल लूँ पहले। ओके सो आई विल बी यूजिंग दिस इज़ द NYB का ब्रश एंड पहले मैं अपनी लोअर लैश लाइन करूँगी। सो इसमें से मैं यही वाला शेड लूँगी, दिस वाला एंड दिस वाला। ओके एंड अब मैं लोअर लैश लाइन पे इसे ब्लेंड कर लूँगी। ओके इसमें अच्छा लग रहा है ना। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मैं लोअर लैश में ब्लेंड कर दिया है एंड नेक्स्ट मस्कारा के लिए आई विल बी यूजिंग दिस इज द पर्पल का मस्कारा। सो अब मैं इसको लेके अपनी अच्छे से लैशेस कोट कर लूँगी। ओके फर्स्ट मैं अपनी लैशेस कर्ल कर लूँ पहले। सो उसके लिए मैं ये वाला आई लैश कलर यूज़ करूँगी, दिस इज फ्रॉम NYB एंड मैं बिल्कुल देख के इसे कर्ल करूँगी। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। ओके सो आप देख सकते हैं मैंने अपनी कोट्स कर लिए हैं अपनी लैशेस। सो गाइस मेरा फुल आई मेकअप लुक हो गया है एंड आप देख सकते हैं मेरी आईज़ कितनी फ्लॉन्ट लग रही है ना, अच्छी लग रही है। सो मेरी तरफ से ये वाले NYB के लिक्विड आई शेडोज बहुत अच्छे हैं एंड आप इसे डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज आप इसे मैंने देखिए ऐसे आईलाइनर यूज़ करा है एंड आप चाहें तो इसे कट क्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे ये वाले लिक्विड आई शेडोज बहुत अच्छे लगे हैं, आप चाहें तो इसमें और भी शेड्स हैं वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मुझे ये 3 शेड अच्छे लगे हैं, सो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेकआउट करें वहाँ पर जाकर एंड प्लीज़ अगर आपको छोटा सा व्यू पसंद आया हुआ मेरा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड टिल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू गाइस, bye guys, stay safe.